गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दवाई पानी। एंड मेरे सामने ये खूबसूरत एक नज़ारा है एंड आई एम जस्ट इन्जॉइंग दिस व्यू, इट्स लुकिंग अमेजिंग। लेकिन कुछ देर पहले इट वॉज रेनिंग यू नो क्वाइट हेवीली, लेकिन उसके बाद मौसम अभी थोड़ा बहुत साफ हो गया। एक्चुअली कल पूरी रात बारिश हुई थी एंड अभी थोड़ा सा क्लियर है। वैसे यहाँ का तो मॉनसून तो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है, सो दैट इज़ वाई ये यू नो सिलसिला चलता रहता है यहाँ पे। कभी बादल आती है, फिर पूरा एकदम बारिश होके एंड फिर अचानक से पूरा क्लियर हो जाता है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ मॉनसून। सो या एंड ये पीछे मेरा मैं जहाँ पे स्टे कर रहा हूँ ये वही होम स्टे है, बीरेन जी का होम स्टे, एंड इट्स अ लवली प्लेस यू कैन सी। एंड ओह हाँ, मेरे पास एक बहुत ही ख़राब एक न्यूज़ है, दैट इज़ आई मीन ये कल रात को मेरे को पता लगा, दैट इज़ मैं जब शिलीगुड़ी से कालिम्पोंग जा रहा था ऑन दैट टाइम मेरे इस गोप्रो में अनफॉर्चुनेटली कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। सो मैं अभी थोड़ा सा सोच में पड़ गया हूँ कि अभी उन लोगों को भौंकना है। सो एनीवे आप बस उन लोगों का साउंड माने आई मीन कुत्ते का साउंड इग्नोर कीजिए। थोड़ी देर पहले तक तो ठीक था, लेकिन अब देखो मैंने मना किया तो इधर आके ये भौंकने लगा। ओके सो अभी ये थोड़ा सा शांत हुआ है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सो कहीं और जाके बात करते हैं। तो बैड न्यूज़ तो मैंने बताया आप लोगों को कि वो सारे कुछ चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हुआ है आई मीन ऑडियो, बट द थिंग इज़ अभी मैं सोच रहा हूँ कि उसको कैसे यूज़ किया जाए। सो दैट्स द थिंग आई मीन थोड़ा सा यू नो आई एम नॉट फीलिंग गुड आज। वैसे नज़ारा देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट वो दिमाग में मेरे चल रहा है कि उसको कैसे यूज़ किया जाए। सो कुछ ना कुछ तो कर लेंगे भाई, अभी उतना ज़्यादा नहीं सोचेंगे। एंड आज का मेरा जो प्लान है दैट इज़ गोइंग टू दार्जिलिंग एंड वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे। वैसे दार्जिलिंग तो हम दो तीन बार जा चुके हैं ऑलरेडी, बट इस बार मैं बाइक लेके मेरे को जाना है। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ स्मॉल अचीवमेंट यू कैन से। तो बस वही है, यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट यहाँ से निकलेंगे टूवर्ड्स दार्जिलिंग। बस आज उतना ज़्यादा बारिश ना हो, ठीक ठाक से घूम ले, फिर इट विल बी ऑल राइट। ओ हाँ, थोड़ा सा रूम भी दिखा देते हैं आप लोगों को, होल्ड ऑन। सो दिस इज़ द रूम यू कैन सी, सॉरी इट्स अ बिट मेस्ड अप। तो बहुत ही बढ़िया रूम है एंड ये ब्लू कलर, वैसे आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ ब्लू, बट ये बस अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, बाथरूम मैं नहीं दिखा रहा हूँ, इट इज़ क्लीन एंड अच्छा है। यू गाइस कैन यू नो कम हियर एंड स्पेंड अ कपल ऑफ डेज, इट्स अ नाइस प्लेस एंड खाना इन लोगों का बहुत बढ़िया है। तो ठीक है, अभी मिलते हैं इन दैट मोटो व्लॉगिंग सेटअप। ओके गाइस, सो इट इज़ रिकॉर्डिंग राइट नाउ, ठीक ठाक से। अभी हम निकलते हैं टुवर्ड्स दार्जिलिंग की तरफ, वहाँ पे जाएंगे, थोड़ा सा घूमेंगे और फिर यहाँ पे वापस आ जाएंगे।
So as you can see, the road was amazing and I was like in that particular moment and I was just enjoying my ride. You know, बहुत अच्छा लग रहा था इस रास्ते में, you know, bike चलाने के time. And मैं मोटो व्लॉगिंग कर रहा था, ये मैं भूल ही गया था, so मैं कुछ भी नहीं बोल पाया वहाँ पर. So here I am in the post and here I just want to, you know, give you like few informations about this road. तो ये रास्ता सीधा जाता है towards घूम स्टेशन के तरफ एंड घूम से ये सीधा चला जाता है टूअर्ड्स लेपचा जगत एंड उसके बाद सुखिया पोखरी देन सिमाना एंड आफ्टर दैट मिरिक. तो इसी रास्ते से आप लोग उधर सीधा जा सकते हो एंड घूम से दाहिने हाथ पे एक मोड़ आता है, आई मीन एक डाइवर्शन आता है, तो वहाँ से आप लोग जा पाओगे टूअर्ड्स दार्जिलिंग. सो दैट्स इट, यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बस देना था. ओके गाइज, सो राइट नाउ I am crossing Johor Bangalo and you can see this little line. Oh, okay, right now I'm in Ghum. Sorry. Ghum pahunch gaye, Johor Bangalo nahi. And yahan se Darjeeling kareeb hi hai and this is a famous railway station, Ghum. And यहाँ से अभी प्रॉब्लम शुरू होने वाला है. द प्रॉब्लम इज ट्रैफिक. दार्जिलिंग का ट्रैफिक यार फेमस है. एंड एक और प्रॉब्लम होने वाला है, दैट इज़ बाइक पार्किंग का. कहाँ पे पार्क करें? ओ मैन, आई एम लकी, यू गाइज आर ऑल्सो लकी. यू कैन सी द टॉय ट्रेन. ओके मैन, दैट्स क्यूट. एक्चुअली दार्जिलिंग में मेरी एक फ्रेंड रहती है एंड शी गेव मी अ लोकेशन वेयर आई कैन पार्क माई बाइक. तो देखते हैं, उस लोकेशन में जाएंगे थोड़ा और आगे चल के. आई हैव टू यू नो फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर लोकेशन. अपने फ़ोन में नेविगेशन चेक कर लेंगे एक बार. एंड मौसम तो अभी तक साथ दिया है बट थोड़ा और साथ दे देता है आफ्टर रीचिंग मैल रोड, देन इट वुड बी ऑसम. ऐसा तो मेरा यहाँ पे ज़्यादा प्लान तो कुछ है नहीं, ठीक है. वो मेरी फ्रेंड अगर वो आएगी तो उसके साथ कहीं पे बैठ के लंच वंच कर लेंगे, बट शी हैज़ ऑफिस. अगर उसको मौका मिलेगी तो आएगी, अदरवाइज़ मैं मैल में रुकूँगा, वहाँ पे इधर उधर घूमूँगा. आई विल मेक सम वीडियोज़, आई मीन आई विल ट्राई टू मेक सम वीडियोज़. और अच्छा, ये है बाताशिया लूप. सो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, सो डेफिनेटली यू गाइस कैन चेक दिस प्लेस आउट. मैं पिछले बार यहाँ पे आया था एंड अगर मौसम साफ रहता है तो यहाँ से गजब का व्यू मिलता है आप लोगों को. सो या दैट इज़ अ थिंग. और हाँ, तो मैं क्या करने वाला हूँ वहाँ पे बस मैल रोड पे मैं थोड़ा बहुत इधर उधर घूमने वाला हूँ. थोड़ा बहुत वीडियोज़ अगर मिल जाएगा कुछ अच्छा वाला तो वो निकालेंगे. एंड दार्जिलिंग में एक पार्क है, नाइटिंगेल पार्क, तो वहाँ पे मेरे को जाना है. तो अगर ठीक ठाक से वहाँ पे पहुँच जाते हैं एंड देखते हैं, आई एम नॉट श्योर कि मैं वहाँ पे जाऊँगा या फिर नहीं, बट लेट्स सी क्या हो सकता है. ऐसा हो सकता है कि मैं जा सकता हूँ, चांसेस है. ओके, सो आई एम हियर एट दार्जिलिंग. वेलकम टू दार्जिलिंग, द क्वीन ऑफ हिल्स. सच में बहुत ही खूबसूरत सा एक शहर है, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे. दैट इज़ द ओनली पेन इन हियर, अदरवाइज इट्स ब्यूटिफुल, नो डाउट. ओके गाइज, सो मेरे को लोकेशन मिल गया है. यहाँ से अभी 1.3 किलोमीटर है, 13 मिनट टाइम लगने वाला है एंड ये पूरा रास्ता रेड है. सो देखते हैं कितने देर तक पहुँच पाते हैं वहाँ पे.
एंड मैं अभी कैमरा को ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक है। सो या मिलते हैं बाइक पार्किंग करने के बाद। ओके गाइस, सो पार्क करने का जगह मिल गया है, बट मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ क्योंकि अगर कोई आके फ़ोटोज़ वोटोज़ खींच लेगा तब दिक्कत हो सकती है। बट ठीक है, रिस्क थोड़ा सा लेना पड़ेगा अभी। एनीवे इधर से चलते टूवर्ड्स मैल रोड, दैट इज़ इट। बहुत लोग हैं यहाँ पे यार। ठीक है, चलो निकलते इधर से। ओके गाइस, सो आई रीच्ड इन दार्जिलिंग और जहाँ पे मैंने बाइक पार्क किया था वहाँ वो जगह मैंने छोड़ दिया है। एक और जगह मेरे को मिला जहाँ पे घंटे में 20 रुपये आपको देना पड़ता है, तो वहाँ पे बाइक सेफ रहेगा। सो दैट्स व्हाई आई पार्क्ड माय बाइक ओवर देयर एंड राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टुवर्ड्स मैल। अभी मैं मैल छोड़ के थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ क्योंकि मैल में अभी ज़्यादा सब्जेक्ट्स नहीं है, तो मेरा मेन फोकस ये रहेगा कि आई वांट टू क्लिक सम फोटोग्राफ्स फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आगे अभी आ गया हूँ, वहाँ पे सब्जेक्ट का थोड़ा सा कमी है। अभी इससे आगे एक व्यू पॉइंट है तो वहाँ से अच्छा व्यू दिखता है, बट अनफॉर्चुनेटली अभी तो पूरा बादलों से घिरे हुए हैं हम। यू कैन सी इट्स टोटली वाइट आउट देयर, बट अभी कुछ देर के लिए वहाँ पे जाएंगे, बैठेंगे, अगर थोड़ा बहुत क्लियर होता है तो तस्वीरें लेंगे एंड आई विल मेक सम यू नो आई विल टेक सम शॉर्ट क्लिप्स फ्रॉम देयर। ओके सो अभी मैं व्यू पॉइंट छोड़ के थोड़ा सा आगे आ चुका हूँ क्योंकि व्यू तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सो दैट इज़ वाई इधर बस टहलने में बहुत मज़ा आता है। सो अभी मेरे साइड में राइट हैंड साइड में ये पूरा एरिया है राजभवन का एंड ये रास्ता बहुत ही अमेजिंग है। ठीक है, आप बस टहलने के लिए क्या बोल सकते हैं, यू नो यू कैन जस्ट चिल ओवर हियर। सो बस वही कर रहे हैं, देखते हैं कितना दूर जा सकते हैं एंड अगर नाइटिंगेल पार्क इधर पास में ही है सो लेट्स सी व्हाट आई कैन डू। सो राइट नाउ आई एम इन नाइटिंगेल पार्क, बहुत खूबसूरत सा जगह है एंड यहाँ पे बहुत कुछ करने के लिए तो है नहीं कुछ, यू कैन जस्ट कम हियर एंड चिल, दैट्स इट। माहौल बहुत बढ़िया लग रहा है, अभी पूरा एकदम फॉग हो गया है यहाँ पे, आई मीन क्लाउड्स आ गए, यू कैन सी दैट, बट इट इज़ लाइक प्योर ब्लिस, बहुत बहुत सही है। एंड ये जैकेट पहन के मैं इतना देर तक चल रहा था, सो दैट्स वाई गर्मी लग रही थी, बट अभी बैठने के बाद आई एम फीलिंग कूल अ बिट। तो यहाँ पे बेसिकली आप जब आओगे तो 25 रुपीज़ का टिकट देना पड़ता है आपको, लेना पड़ता है, और बाकी आप यहाँ पे आके यू कैन चिल, दैट इज़ इट। एंड या इट्स अ नो स्मोकिंग एरिया, तो ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ देर हम बैठेंगे एंड आफ्टर दैट आई विल गो टुवर्ड्स मैल एंड वहाँ पे जाके शायद कुछ फ़ोटोज़ खींचेंगे एंड आई विल ट्राई टू टेक सम क्लिप्स, दैट्स इट। ओके गाइस, सो राइट नाउ आई एम इन दार्जिलिंग मैल एंड यहाँ पे बहुत देर से मैं बैठा हुआ हूँ, बहुत देर से मतलब नॉट दैट मच, लाइक हाफ एन आवर एंड
मेरे को पता नहीं क्यों मेरे को बस मन नहीं किया कि कुछ वीडियोस बनाए यहाँ का, बिकॉज यू नो आई जस्ट वांट टू आई मीन वांटेड टू एंजॉय दिस वाइब इन हियर, जो मैं कभी कर नहीं पाता था. आई मीन पिछले दो बार जब भी यहाँ पे आए थे तो बस ऐसे ही घूम के चले गए थे, बस यू नो यहाँ का जो वाइब होता है वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाए. सो दैट इज़ वाई मैं बस यहाँ पे बैठा रहा एंड आई बॉट फ्यू थिंग्स फॉर माई फ्रेंड्स फ्रॉम दो शॉप्स. तो ये जो है ये हबीब मल्लिक, आप यहाँ से कुछ नहीं कर सकते. तो ये क्यूरियो शॉप है, ये बहुत फेमस है उधर टिबेट, क्यूरियो शॉप है वहाँ पे. एंड गोल्डन टिप्स है, आप यहाँ पे आगे चाय पी सकते हो. इधर भी एक गोल्डन टिप्स है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में. एंड बाकी मैल बहुत ही बढ़िया सा एक जगह है, सो यू कैन जस्ट कम हियर एंड चिल. सो दैट्स द थिंग. एंड ऑल्सो मेरी वो फ्रेंड आने वाली है, सो मैं सोच रहा हूँ कि मैं ग्रीनरीज पे चला जाऊँ एंड वहाँ पे जाके उनसे मीट करूँ. सो दैट्स अ थिंग, दैट्स अ स्टेटस राइट नाउ. सो मीट यू एट ग्रीनरीज आई गेस. सो राइट नाउ आई एम इन ग्रीनरीज एंड मेरे सामने मेरी दोस्त बैठी हुई है, बट शी डजंट वॉन्ट टू कम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, सो आई रिस्पेक्ट दैट. एंड अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत अपना, मैं तो अपना लंच कर रहा हूँ यहाँ पे एंड शी इज़ हैविंग सम जूसेस एंड ऑल. एंड यहाँ से बस अभी एक घंटे के अंदर निकलेंगे, क्योंकि मेरा बाइक भी वहाँ पे पार्क हुआ है एंड वो बंदा जो बाइक वाला जो बंदा है वो जल्दी जल्दी चला जाएगा, आई मीन बाई 6 o'clock. तो उससे पहले मेरे को वहाँ पे पहुँचना है एंड मेरे को दवाई पानी तक भी पहुँचना है. एंड ऑल्सो द मौसम इज़ नॉट लुकिंग गुड, सो दैट्स द थिंग. तो जितना जल्दी हो सके यहाँ पे खाएंगे एंड यहाँ से निकलेंगे. दैट्स ऑल. तो राइट नाउ आई एम इन दार्जिलिंग एंड अभी डिनरी से लंच करके हम निकले हैं. एंड अभी बज रहा है करीब 5, आई गेस 5 बज चुका है ऑलरेडी. एंड बारिश हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो अभी इस बारिश का लुक दिखाया जाएगा एंड राइड किया जाएगा. तो लेट्स गो फॉर इट. थोड़ा बहुत डर भी लग रहा है, क्योंकि ये पूरा स्लिपरी स्लोप हो चुका है एंड विजिबिलिटी का बहुत ठीक है. जल्दी ना पहुँच जाएंगे, 1 घंटे का रास्ता है बस 16 किलोमीटर. बस धीरे धीरे चलाना है और ओके. तो दार्जिलिंग से जब मैं निकल रहा था ऑन दैट टाइम इट वॉज नॉट रेनिंग दैट मच हेवी, ठीक है, लेकिन उसके करीब 15 से 20 मिनट बाद ही पूरा माहौल चेंज हो गया था. बहुत ज़्यादा क्लाउड्स आ गए थे एंड विजिबिलिटी एकदम जीरो टाइप का हो गया था. आई मीन दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम आई वॉज राइडिंग इन द माउंटेंस, तो मेरे लिए तो ये और भी ज़्यादा टफ हो रहा था. बट स्टिल यू नो आई वॉज जस्ट इन्जॉइंग दिस राइड. मेरे को उतना ज़्यादा डर नहीं लगा, आई डोंट नो वाई, मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था. एंड पूरे दिन दार्जिलिंग में गुजारने के बाद अभी मेरा एडवेंचर शुरू होता है यहाँ से. एंड ये जो एक्सपीरियंस मैंने किया है ये कभी मैं नहीं भूल पाऊँगा. एंड ये बहुत अच्छा था, बहुत ही एक अमेजिंग सा एक माहौल बना हुआ था. सो इट वाज रियली 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 अमेजिंग. आई रियली कांट यूज़ एनी काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स ओवर हियर, आई मीन मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आ रहा है. और ये जो जगह है यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में था कि किस तरफ जाना है, लेकिन 2-3 मिनट बाद ही एक गाड़ी आ गई थी एंड आई आस्क्ड द ड्राइवर एंड फिर मैं रवाना हो गया. एंड यहाँ पे मैं कोई भी साउंड्स आई मीन म्यूजिक्स में ऐड नहीं कर रहा हूँ, जस्ट एंजॉय दिस रॉ एनवायरनमेंट. आई होप यू विल गोना लव इट.
ओके गाइस, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में था, कंफ्यूजन कि रास्ता कौन सा है। तो फाइनली मेरे को मिल गया है, अब ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला है ना। आई एम जस्ट गोइंग टू एंजॉय द राइड, दैट इज इट। This is hell of a experience and I am just loving it. बस थोड़ा सा धीरे चलाना पड़ेगा, ये पूरा स्लिपर हो चुका है पूरा रास्ता, तो दैट इज़ वाई एकदम धीरे शांति से कामली यू हैव टू गो, दैट इज इट। तो विजिबिलिटी और भी कम हो चुका है एंड पता नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। मेरे को डरना सही है, ये चीज़ नहीं है। मेरा जूता पूरा भीग गया है भाई, तो आई डोंट नो यू गाइस आर लिसनिंग और नॉट, तुम पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये छोटा वाला गोप्रो है। ओके गाइस, सो अभी मौसम थोड़ा सा साफ हुआ है एंड इसके थोड़ा सा तेज़ चला रहा हूँ क्योंकि विजिबिलिटी क्लियर है थोड़ा सा एंड मेरे को जल्दी पहुँचना भी है। और पैर मेरा पूरा भीग चुका है, एंड मुझे लगता है कि ठंड लगने वाली है मेरे को, तो जाके दो से गरम लगाना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। इतना जोर से कैसे चला पाता है यहाँ पे, डर नहीं लगता मेरे को, साला इतना डर लगता है क्या बताएं। That's called habit, brother. That's called habit. Okay guys, so I just reached in my homestay and it was a hell of a ride. मेरे को बहुत पसंद आया and अभी बस मेरे को लग रहा है कि मेरे को जुकाम होने वाला है, so that's why I'm having a tea and momos together. So that is it for today. बहुत adventure हो गया आज,
मिलते हैं कल एंड टुमारो इट विल बी द लास्ट डे. सो दैट इज़ इट. आई एम साइनिंग ऑफ इन हियर.